हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों को सारे लेक्चर अच्छे समझ में आ रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हमारा टॉपिक से, दैट इज मीजर्स टू अवॉइड स्कैम। हम स्कैम्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज साइबर जो चैप्टर है हमारा, इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और देखो, जो हम पढ़ रहे हैं वो अगर हम रियल लाइफ में चीजें इंप्लीमेंट होती हुई देखेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझेंगे, तो हमें चीजें ज्यादा अच्छे समझ में आ रही होंगी। ओके, सो दैट इज वी हैव, सबसे पहले हमें क्या करना है, दैट इज नेवर एंटर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन और एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन अनसिक्योर वेबसाइट्स। यानी कि आपको कहीं भी किसी भी ऐसी वेबसाइट पर जिसको आप ट्रस्ट ना कर रहे हो, या फिर आपको क्या देखना है, आपको देखना है HTTP, साथ में एक आपको एक लोगो देखना है। क्या देखना है, HTTP HTTPS के साथ में आपको एक ग्रीन लोगो, ग्रीन लॉक मिलेगा। जब तक ये चीजें आपको ना दिखें, तब तक आपको क्या करना है, अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहीं पे भी नहीं डालनी है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से आपका मतलब क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से आपका मतलब है दैट इज योर बैंक डिटेल। ठीक है, आपका बैंक का अकाउंट नंबर, आपके डेबिट कार्ड डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। ओके, नाउ सेकंड इज नेवर रिले ऑन ईमेल्स दैट आर फ्रॉम अननोन सोर्स। देखो, जब भी कोई ईमेल आता है तो उसमें आपको एक दिखता है दैट इज फ्रॉम, यानी कि किस ईमेल से वो मेल आया हुआ है। जब भी कोई मेल लिखा हो और @ उसके बाद में अगर उस कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर कोई रिलेटेड कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो प्लीज आप उस ईमेल को ज्यादा वैल्यू ना दें। उसमें अगर आपसे कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है जो एक्टिविटीज आपके साथ में नहीं हो रही, फॉर एग्जांपल आप एक स्टूडेंट हैं और आपके पास आता है, आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और एक कोई भी कंपनी आपको मैसेज कर रही है कि भाई साहब आप क्लास 12th में, आप क्लास 12th के लिए स्कॉलरशिप जीत गए हैं, ओके, आपको उसकी फीस पेमेंट करनी है, दैट इज ओनली फॉर एग्जाम्पल छोटा अमाउंट है लाइक 5,000 रुपीज। ओके, तो आपको थोड़ा सा अपना दिमाग खुला रखना है, ओके, सारी चीजों को करते हुए। नाउ नेवर क्लिक और गिव इन्फॉर्मेशन टू दिस टू द ईमेल दैट क्लेम यू हैव वॉन समथिंग। जब भी तुम्हारे पास कोई ऐसा ईमेल आए कि भैया आप KVC में प्राइस जीत गए हैं, 4 करोड़ जीत गए हैं, 7 करोड़ जीत गए हैं, 10 करोड़ जीत गए हैं, तो कृपया करके आप ऐसे मैसेजेस पर क्लिक बिल्कुल भी ना करें। ओके, नेक्स्ट वी हैव दैट इज इलीगल डाउनलोड्स, दैट इज अवॉइड यूजिंग डाउनलोड द करेक्ट वर्जन ऑफ पेड सॉफ्टवेयर। कई बार क्या होता है कि हम बहुत यूजुअली मेजर पब्लिक हम करते हैं, तो आप उसको अवॉइड करें कि पेड सॉफ्टवेयर अगर आप ले सकते हैं तो आप उनको बेहतर है कि ले ही लें। नेक्स्ट वी हैव चाइल्ड पोर्नोग्राफी। देखो, नाउ वॉचिंग पॉर्न प्रोड्यूसिंग इट इज एन पनिशेबल ऑफेंस अकॉर्डिंग टू द न्यू IT बिल। जो नया IT बिल आया है उसके अंदर सेक्शन 67 के अंतर्गत पॉर्न को देखना और उसको प्रोड्यूस करना एक क्या है, पनिशेबल ऑफेंस है। ओके, अब ये अगर कोई भी दैट इज बिलो 18, हु इज बिलो 18 इज कंसिडर्ड एज चाइल्ड। ये बात आपको ध्यान रखनी है, और ये बात आप ध्यान रख रहे हैं, ऐसा जनरल आप जब इस यंग एज में होते हो तो यूजुअली आप पॉर्न को ज्यादा अट्रैक्ट होते हो, तो आपको थोड़ा सा इस चीज पर सोचना है कि अल्टीमेटली क्या हो रहा है। आप अल्टीमेटली अपनी बेटा एनर्जी लॉस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप एनर्जी लॉस कर रहे हो। और आपको बेसिकली पॉर्न क्या देता है, पॉर्न बेसिकली आपको एक डोपामीन, ठीक है, डोपामीन नाम का एक केमिकल है आपके दिमाग में जो कि आपको प्लेजर हार्मोन होता है, ठीक है, उससे आपको जब भी डोपामीन रिलीज होगा तो आपको क्या होगा कि प्लेजर वाली, खुशी वाली फील आएगी, है ना। अब दिन भर तुम चीजों में, दिन भर किसी भी काम में तुम्हारा मन नहीं रखता है, फिर देखते हो अरे यार बहुत बोरिंग सी जिंदगी, चलो पॉर्न देख लेते हैं, और डोपामीन आपको फिर रिलीज होगा, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये टाइम के साथ में आपके लिए बहुत ज्यादा बेकार चीजें हो जाएंगी। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कतें भी आ रही होंगी, आप निगेटिविटी की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे होंगे। नाउ रिपोर्टिंग साइबर क्राइम्स। अब साइबर क्राइम कई बार बहुत सारे लोगों के साथ हो जाते हैं लेकिन वो रिपोर्ट नहीं करते हैं। अगर आपके साथ कोई भी हो तो आप रिपोर्ट जरूर कीजिए। कैसे रिपोर्ट करना है, देखो, इफ एनी साइबर क्राइम हैपेंस वन मस्ट रिपोर्ट टू देयर पेरेंट्स। सबसे पहले आपको पेरेंट्स को बताना है। ये बात आप समझ जाओ कि इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा आपको कोई भला चाहता है वो बेटा आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है। आपको लगता है कि एक टाइम से जो आपके फ्रेंड्स हैं वो आपका भला चाहते हैं, नहीं है, वो इनडायरेक्टली। देखो, इस दुनिया में सिर्फ शायद ही कोई तुम्हारा अकेला एक ऐसा मित्र होगा जो अपना, ठीक है, जो इसका कोई तुमसे स्वार्थ ना हो, ठीक है, यानी इसका कोई पर्सनल बेनिफिट ना हो रहा तुमसे दोस्ती रखने में, वो फिर भी तुमसे दोस्ती
रखे हुए हैं, ओके। और बाकी सारे जो तुम्हारे दोस्त, तुम देख लेना मेरी बात, लिख लो कहीं पे, 11th में हो, 12th में हो, जब आप कॉलेज में जाओगे, कॉलेज के बाद जाओगे, देख लेना कितने लोग आपसे कनेक्टेड रहेंगे। अभी तो तुम जो है जीने मरने की उसमें खा रहे हो, अरे भाई तुम्हारे लिए सब कुछ कर देंगे हम, है, और उस चक्कर में पढ़ोगे नहीं, लेकिन बाद में क्या होगा, बाद में देख रहे हो यार कि यार उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी थी और यार हम तो यहीं रह गए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए चलें, आप फ्रेंडशिप उतनी ही करो यार जितनी, ठीक है ना। देखो ठीक है, अब थोड़ा बहुत घूम लिए, घाम लिए, बात ठीक है, लेकिन अब आपने अपनी लाइफ का जो एम है, टारगेट है ना, अब तुमने एक बात और बेटा मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा, दैट इज कि आपने एक चीज नोटिस की होगी कि बहुत सारे लोग आपसे आपसे जो भी मिलता है वही क्यों कहता है बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, बिकॉज एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिससे आप अपनी क्लास चेंज कर सकते हो, साफ शब्दों में कहूँ तो आप अपनी औकात बना सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो, बस ये समझ जाओ। नेक्स्ट दैट इज यू कैन ऑल्सो फायर ई एफ आई आर, आप इंटरनेट के थ्रू भी एफ आई आर जो है लॉन्च कर सकते हैं। अब बताता हूँ आपके एक बहुत ही अच्छी चीज के बारे में जो मेरे फ्रेंड के साथ हो चुकी है, तो इसमें थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की जरूरत है। ये क्या है, रैनसमवेयर है। रैनसमवेयर क्या होता है, देखो इट इज अ फॉर्म ऑफ अ मालवेयर, ठीक है, बेसिकली एक मालवेयर है एंड साइबर अटैक दैट एसेंशियली होल्ड अ कंप्यूटर कैप्टिव व्हाइल डिमांडिंग अ रैनसम। क्या करते हैं वो, आपसे कुछ डिमांड करेंगे, आपसे कुछ सॉर्ट ऑफ मनी डिमांड किया जाएगा। अगर रैनसमवेयर एक बार आपके लैपटॉप में आ गया, आपके लैपटॉप में एक बार रैनसमवेयर आएगा तो क्या करेगा, आपके लैपटॉप का जो भी डेटा है, इंटायर डेटा, उसको इनक्रिप्ट कर देगा। क्या कर देगा, इनक्रिप्ट कर देगा, ठीक है। अब उसको डिक्रिप्ट करने के लिए, उसको डिक्रिप्ट वही कर सकता है जिसने उसे इनक्रिप्ट किया है, बात समझ में आई। मान लो कि मैं तुम्हारा लैपटॉप ले लूं, ठीक है, कैसे भी करके तुम्हारा लैपटॉप का एक्सेस मेरे पास आ जाए और मैं पूरा डेटा इनक्रिप्ट कर दूं, आप डिक्रिप्ट कौन कर सकता है, मैं ही कर सकता हूं। तो उस डिक्रिप्शन के लिए मैं आपसे पैसा मांगू, मैं कहूँ भाई मुझे 10 लाख रुपए दे दो, क्या होता है, ऑप्शन क्या है, दो ऑप्शन है, पहला है तो मुझे पैसा दो अगर तुम्हारा डेटा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे लोगों का डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हो सकता है आपके स्कूल के मेमोरीज हो, फोटोज हो, उसके अंदर इंपॉर्टेंट डेटा आपका रखा हुआ हो, ओके। तो ये होता कैसे भैया, देखो कई बार क्या होता है, हम अननोन वेबसाइट पर चले जाते हैं, हम किसी भी लिंक पर क्लिक कर देते हैं, हो सकता है कि या कोई फाइल डाउनलोड कर ली हमने, सेटअप इंस्टॉल कर लिया, तो उसमें रैनसमवेयर भी आ गया आपके सिस्टम में, ओके। तो आपको इन सब चीजों से बहुत बच के चलना है इंटरनेट की दुनिया में। मेरा एक फ्रेंड था, उसका उसके लैपटॉप में रैनसमवेयर अटैक हो गया था और उसका पूरा डेटा, जो उसकी बचपन की फोटोज थी, सब उसे फॉर्मेट करना पड़ा, समझ रहे हो। अब देखो क्या बोल रहा है, इट रिस्ट्रिक्ट्स द यूजर, क्या करता है ये, इट रिस्ट्रिक्ट्स द यूजर टू एक्सेस द कंप्यूटर ईदर बाय इनक्रिप्टिंग फाइल्स ऑन द हार्ड ड्राइव और लॉकिंग डाउन द सिस्टम एंड डिस्प्लेइंग मैसेज दैट आर इंटेंडेड टू फोर्स द यूजर टू पे फॉर रैनसमवेयर क्रिएटेड टू रिमूव द रिस्ट्रिक्शंस एंड रीगेन एक्सेस फॉर द कंप्यूटर। क्या होता है इसमें, इसमें जो जिसने अटैक किया है वो क्या करेगा, यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। पहला क्या कर सकता है कि वो ये आपकी फाइल जो है वो इनक्रिप्ट कर देगा ताकि आप एक्सेस ना कर पाओ। दूसरा यह करेगा कि वो आपको सिस्टम है उसको लॉक कर देगा और वहां पर एक मैसेज दिखेगा, क्या दिखेगा, डिस्प्लेइंग मैसेजेस दैट आर इंटेंडेड टू फोर्स द यूजर टू पे द रैनसमवेयर क्रिएटर, यानी कि जिसने वो वायरस बनाया है, ठीक है, जिसने वो वायरस बनाया है उसको पे करने का एक बस मैसेज आपको दिख रहा होगा और आप अपने कंप्यूटर पे कुछ और नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जब आप पे करेंगे तब वो वहां से रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर देगा एंड आपका जो एसेस है वो वापस आपका आपको मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। अब कंप्यूटर फॉरेंसिक्स क्या होता है, देखो डिजिटल फॉरेंसिक्स और साइबर फॉरेंसिक्स रिफर्स टू अ मेथड यूज्ड फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ कंप्यूटर मीडिया फॉर डिजिटल एविडेंस। देखो बेसिकली क्या है कि आपका जो कोई भी केस हुआ तो जहां पर आपके डिजिटल फोटोग्राफ्स वगैरह हो गए, ठीक है, आपके चैट्स हो गए, ये सारी चीजें डिजिटल एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं, ओके, इसी को हम कह देते हैं साइबर फॉरेंसिक्स। नाउ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस ऑफ साइबर फॉरेंसिक्स, देखो मैंने आपके चैप्टर में से कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है, आप इस चैप्टर में देख लेना, नेक्स्ट चैप्टर में देख लेना, अगेन नेक्स्ट चैप्टर में देख लेना। थ्योरी है, मैं चाहता आपसे बोलते था भैया आप खुद पढ़ लो बेटा, आप खुद से ही पढ़ सकते हो, आप 11th में आ गए, लेकिन नहीं, चीजें इंटरेस्टिंग है, मुझे लगा इसमें डिस्कस करते हैं, आप लोगों को बताते हैं, ओके, आप लोग भी नई नई चीजें सीखोगे इससे, और सारी चीजें मैंने आपको पॉइंट वाइज इसमें समराइज कर दी है। इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस ऑफ कंप्यूटर फॉरेंसिक्स, इसमें क्या करते हैं, देखो एक्वायर द एविडेंस विदाउट ऑल्टरिंग और डैमेजिंग द ओरिजिनल, यानी कि जो ओरिजिनल फाइल है वो हमें एक्वायर करनी है कंप्यूटर फॉरेंसिक्स में, अगर हम बात करें तो,
ना हमें विदाउट अल्टरन का मतलब है कि उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है और ना हमें उसको डैमेज करना है। देन ऑथेंटिकेट दैट योर रिकवर्ड एविडेंस इज द सेम एज द ओरिजिनल सीज डेटा, यानी कि जिस डेटा को सीज किया गया था और जो हमें रिकवरी हुई है वो दोनों हमारे सेम होने चाहिए। नेक्स्ट इज एनालाइज द डेटा विदाउट मॉडिफाइंग, जो ओरिजिनल डेटा है हम उसी को एनालिसिस करेंगे, हम उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे होंगे। नेक्स्ट इज साइबर लॉ एंड आईटी एक्ट। अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना क्या है। इट रिफर्स टू द ऑल लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेट एंड द WWW। क्या है कि इंटरनेट पर कुछ रूल्स है, ठीक है। अब इंडिया ने अपने रूल्स बनाए हैं और इंडिया को जो रूल्स है वो आए थे कब आए थे, देखो दैट वॉज इंडियाज आईटी एक्ट एंड आईटी अमेंडमेंट एक्ट। अमेंडमेंट हुआ था बेटा 2008 में उसमें, ठीक है। इंडिया में साइबर लॉ आए थे कब, दैट वॉज थ्रू एन आईटी एक्ट 2000। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। द पर्पज वॉज टू प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड टू फैसिलिटेट फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स विद द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। इसका पर्पज इतना सा था कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको क्या करना, उनको विद द गवर्नमेंट रिकॉर्ड, ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन को एक लीगल रिकॉग्निशन दिलाना। क्या दिलाना, एक लीगल रिकॉग्निशन दिलाना, बिकॉज बाद में अगर कोई दिक्कत होती है, जब तक कोई चीज़ लीगल नहीं है तब तक आप उसमें फिर आगे कुछ भी प्रोसीडिंग नहीं कर पाओगे। मान लो अगर कोई कल को फ्रॉड हो जाता है, ठीक है, अगर आपने बेटा यूपीआई में मान लो फ्रॉड हुआ तुम्हारे साथ, तो पहली बात तो यूपीआई जो है वो लीगल होना चाहिए, ठीक है, तब आपकी जो कंप्लेन है वो सुनी जाएगी, फिर उसकी आपकी सुनवाई हो रही होगी। ओके नाउ कॉमन सोशल नेटवर्किंग साइट्स, वो सब तुम सब अच्छे से जानते होगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम दो बार लिख दिया यहाँ पर मैंने, आपका एक स्नैपचैट हो गया, ठीक है, आपका एक्स जिसको पहले ट्विटर बोला करते थे, ये सब क्या है, हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। अब देखो सोशल नेटवर्किंग का हम क्या यूज कर सकते हैं, क्या यूज किया जा सकता है, दैट इज वेन एवर वट एवर एक्टिविटीज यू डू ऑनलाइन लीव्स अ परमानेंट फुटप्रिंट। देखो आप अपने अकाउंट से जो भी करते हो, मान लो आपने किसी को सर्च किया, ठीक है, आपने किसी को सर्च किया तो बेटा आपके वो अकाउंट की हिस्ट्री में रहता है। ओके और आप अगर एक बार डिलीट भी कर दोगे तब भी जो आपका जिस वेबसाइट को आप यूज कर रहे हो उसके पास वो डेटा रहेगा। सो वट एवर एक्टिविटीज यू डू ऑनलाइन लीव्स अ परमानेंट फुटप्रिंट एंड दीज आर नोन एज डिजिटल फुटप्रिंट्स। जैसे आप रोड पे चल रहे हो तो आपके निशान छप पड़ जाते हैं ना, वैसे आप जब इंटरनेट की दुनिया में चल रहे हो तो आप जो भी चीजें कर रहे हो वो क्या है, आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं एंड दीज आर परमानेंटली स्टोर्ड। क्या होता है ये सब, आपके बेटा परमानेंटली स्टोर किए जाते हैं। अब देखो दो टाइप के फुटप्रिंट्स होते हैं, कौन कौन टाइप्स के, फर्स्ट आर एक्टिव फुटप्रिंट्स एंड सेकेंड आर पैसिव फुटप्रिंट्स। अब भैया ये एक्टिव फुटप्रिंट और पैसिव फुटप्रिंट में क्या है, देखो एक्टिव का मतलब है दीज आर फाउंड बाय योर ऑनलाइन एक्टिविटी यू डू नोइंगली। देखो जो चीजें आप जानबूझ के कर रहे हो, ठीक है, खुद से तुम कर रहे हो, यानी तुमने किसी को सर्च करा, तो तुम सर्च करते हो ना कि अच्छा हाँ अरे आज तो ये लड़का दिख गया, चलो इसकी आईडी सर्च कर लेते हैं, इस नाम से सर्च कर रहे हैं, ढूंढने जा रहे हैं, अरे आज ये लड़की दिख गई, चलो इसकी आईडी सर्च कर लेते हैं, ऐसे एक्टिविटीज आप करते होगे। ओके तो ये हो गया हमारा एक्टिव फुटप्रिंट। पैसिव क्या होता है, ध्यान से समझो, दीज आर फाउंड बाई एनी एंड एवरी एक्टिविटी दैट यू परफॉर्म ऑनलाइन एंड यू डोंट इवन नो अबाउट इट। यानी कि इसका मतलब हुआ कि आप जो भी ऑनलाइन कर रहे हो, तुम गए, तुमने किसी की प्रोफाइल व्यू करी, ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक फुटप्रिंट हो गया, ठीक है। फिर उसकी एक आपने क्या करी बेटा, एक पोस्ट व्यू कर ली, उस पोस्ट में तुमने कमेंट में देखा, तुमने देखा अरे यार ये तो मेरे दोस्त है, मेरा दोस्त तो वहां एकदम दिल विल दे रहा है, क्या बात है एकदम इस तरीके से। फिर तुमने दोस्त को फोन करा और फिर तुम उससे लड़ने लगे। देखो मैं एक बात तुम्हें और बता देता हूँ, जो 11th में 12th में जितनी भी ये स्कूल में लड़ाइयाँ होती हैं लड़कियों के पीछे जो आप लड़ाइयाँ करते हैं, ऐसा बिल्कुल कतई ना किया के लिए, ठीक है। आपका जो जीवन है बहुत बड़ा जीवन है, ठीक है, आपकी लाइफ बहुत आगे, आपको और अच्छे लोग मिल रहे होंगे। उस टाइम क्या होता है ना कि आपने भी लोग आप कितने लोगों से मिले ही हो, ठीक है, आप जो रिलेशनशिप जैसी चीजों में पड़ जाते हो उस टाइम पर, ठीक है, आप अपना टाइम वेस्ट कर लेते हो, आप पहले थोड़ा लोगों से मिलो, पहले आप खुद थोड़े से अपनी वैल्यू बढ़ाओ, समझे। एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया कभी भी पड़े हुए सोने को सिक्के को नहीं छोड़ती है, ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है।
पर अगर काफी बच्चे हमारे ऐसे भी होंगे जिनको लोग चले गए होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं कर रहा होगा, किसी ने ब्लॉक कर दिया हो, ठीक है भाई कोई बात नहीं, लेट इट बी, ठीक है, जो जिंदगी में हो रहा है लेट इट बी, बस। अब बात करते हैं प्राइवेसी सेटिंग्स के बारे में। मेक श्योर टू नॉट टू गो विद द डिफॉल्ट सेटिंग। देखो जब भी आपको कुछ भी ऐप इंस्टॉल करो तो उसकी डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं। या आप जाओ फेसबुक पे, अगर आपका अकाउंट इंस्टाग्राम पे अकाउंट, तो उसमें प्राइवेसी सेटिंग डिफॉल्ट होते हैं, तो आप अपने हिसाब से जरूर उन प्राइवेसी सेटिंग्स को चेंज जरूर करना, ठीक है। लाइक जैसे होता है कि आप अपनी फीड को कहाँ शेयर करना चाहते हैं, कौन आपको सेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है, कौन फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है, कौन फॉलो कर सकता है नहीं कर सकता है, ठीक है। फेसबुक में होता है कौन आपकी ईमेल से आपको सर्च कर सकता है, आपके नंबर से आपके कौन सर्च कर सकता है, तो ये सारी प्राइवेसी सेटिंग्स होती हैं, इनको आप जरूर अपने अकॉर्डिंगली उनको यूज करना। ना देखो सोशल मीडिया के कुछ रूल्स हैं, ठीक है, इसको हम कहेंगे सोशल मीडिया एटिकेट्स। एटिकेट्स मतलब होता है रूल्स, मैनर्स। बेसिकली देखो यार सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन यूजुअली हम क्या कर रहे होते हैं, हम अच्छाई नहीं देख रहे होते हैं ना, हम कुछ गलत गलत चीजें भी करते हैं, लेकिन आप ना करें तो अच्छा है आपके लिए। बी ऑथेंटिक, ठीक है, आपको ज्यादा हवाबाजी नहीं करनी है, थोड़ा रियलिस्टिक रहना है वहां पे। बी सिक्योर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ। देखो इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6, ये मोस्ट कॉमन पासवर्ड है। उसके बाद में आपका एक और मोस्ट कॉमन पासवर्ड आता है, दैट इज योर नेम एट द रेट योर डेट ऑफ बर्थ। ये सेकेंड मोस्ट कॉमन पासवर्ड है। और फिर आप जिस एज में आप क्या करते हो, आप ये करते हो कि भैया यहां पर अपना नाम, ठीक है, लाइक माई नेम एट द रेट क्रस्ट का नाम, ठीक है, या तो हम इसका वाइस वर्सा मान लो। तो ये सब चीजें आप ना किया करो, ऐसे पासवर्ड बिल्कुल मत डालो, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करो ताकि कोई प्रिडिक्ट ना कर पाए, आपको कोई कितना भी जानता हो बट आपके पासवर्ड जो है वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, ठीक है। बी रिलायबल, डोंट पिक अप फाइट्स ऑनलाइन। अब ये हमारे साथ भी होता है, ये बहुत सारे बच्चे आते हैं कुछ भी कमेंट करके चले जाते हैं, तो हम ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं उन कमेंट्स को, ठीक है, क्योंकि बेटा देखो हमने जो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, कंटेंट बना रहा हूँ, तो बेटा बहुत मेहनत से, एक विजन के साथ हम लोग काम कर रहे होते हैं यूट्यूब पर। अब कोई भी आया, उसने कुछ भी देगा, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा उस बच्चे के, और उसमें कुछ भी कमेंट कर दिया, पता नहीं वो बच्चा था नहीं था कौन था मुझे क्या पता, ठीक है। तो हम लोगों को उसकी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। डोंट यूज फेक नेम्स। कई बार क्या होता है, हम भैया हमारा नाम कुछ और है, हम अपने इंस्टाग्राम पे कुछ और नाम एकदम बनाए हुए हैं। ओके, प्रोटेक्ट योर आइडेंटिटी। आपको अपने बारे में सिर्फ लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही शेयर करनी होती है सोशल मीडिया पे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप जब भी अपनी फोटोज को अपलोड करें तो आप थोड़ा बचें इन सब चीजों से, अपने एड्रेसेस, ठीक है, अपने पासवर्ड्स, ओके, और भी वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो आपको शेयर नहीं करनी है। रेस्पेक्ट योर ऑडियंस, ये हमेशा एज अ क्रिएटर हमारे लिए भी रहता है कि अपने ऑडियंस के बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं। देखो जो भी अच्छे बच्चे हैं वो कभी बेटा गलत कमेंट करते नहीं है, और यूजुअली मेरे पे कभी गलत कमेंट आज तक नहीं आते हैं, बिकॉज हम यहाँ ऑथेंटिक कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, आप पढ़िए, ठीक है। कुछ कुछ बच्चे कभी नोट्स क्लैश में उनको दिक्कत होती है, तो मेरे हिसाब से इतना सा कहना है बेटा कि आप अगर वास्तविकता में पढ़ने आए उस चैनल के ऊपर, तो आप जब मेरी वीडियोज को पढ़ रहे हो, आप अच्छा खुद सोचो बेटा, अगर आप किसी का भी लेक्चर पढ़ोगे तो आप कुछ तो लिखोगे, और जो बेटा हम लिखते हैं वही तो आपके नोट्स होते हैं, ठीक है। या तो आप नोट्स लिख लो, ठीक है, अगर आप मेरे नोट्स चाहते हो तो आप, अगर आप किसी की सर्विसेज लेना चाहते हो तो आपको उसका तो बेटा पेमेंट करना ही पड़ेगा, ओके। और बहुत ज्यादा महंगे भी मैंने चीजें इसीलिए नहीं रखी थी बच्चों के लिए। ओके, नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट अदर ओपिनियन। जब बच्चे फीडबैक्स देते हैं तो मैं उनका प्रॉपर रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं उन हर बच्चे को मोस्टली कहता हूँ कि बेटा हम इसको कंसीडर करेंगे, और नेक्स्ट टाइम जब ये रिकॉर्डिंग्स करी जाएंगी तो हम उसमें इसको कंसीडरेशन में लेकर के अपनी क्वालिटी को अपग्रेड कर रहे होंगे। एंड मॉनिटर कमेंट्स, आपको जो भी कमेंट्स कर रहे हैं वो आप जरूर उनको मॉनिटर करिए, कोई अगर बेकार कमेंट है आप उसको डिलीट कर दीजिए। ओके, आपको सिर्फ डिलीट करना है, लड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है किसी से भी सोशल मीडिया की दुनिया में, बिकॉज आपको नहीं पता कि कौन वहां पर बैठा हुआ है उसके पीछे। ओके, सो यहाँ पर हमारे चैप्टर खत्म होता है, हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर विद न्यू जोश। एंड जिसने सब्सक्राइब नहीं कराया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज बहुत सारे बच्चे यहाँ सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर करो ताकि उनको भी काफी अच्छी अच्छी चीजें पता चले। और अगर आप ये नोट्स चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतजार करिए, आपको चैप्टर नंबर 15 16 17 तीनों के नोट्स आपको एक ही कॉस्ट पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके,
और साथ में नेक्स्ट ईयर आप लोगों के लिए जो भी नोट्स हैं उसका एक प्रॉपर एक नई बुक लेके आ रहा हूं मैं, जैसा मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, बुक्स आपके लिए प्रोसेसिंग में है, बुक्स बहुत जल्द आएंगी जिससे आपके मार्क्स मैक्सिमाइज किए जा सके। तो मिलेंगे आपसे भी सेम नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, तब तक ये चलता हूँ, बाय बाय।